खबर सिवान के धरौंदा से आ रही है, जहां एक छात्रा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा ट्रैक्टर की चपेट के आने से उसकी मौत हो गई है। धरौंदा थाना क्षेत्र के सवान पंचायत के भवन के पास की यह घटना है, जहां स्थानीय लोग रोड को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रैक्टर को पकड़ लिए हैं। आप देख सकते हैं, यह वही ट्रैक्टर है जिसपे सामान लदा हुआ है और इसी ट्रैक्टर से छात्रा की मौत हुई है। सूत्रों की माने तो छात्रा साइकिल से क्लास करने जा रही थी और ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है और रोड को कुछ देर के लिए जाम भी कर दिया गया है। तो देख सकते हैं किस तरह कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा को ट्रैक्टर वाले ने कुचल दिया है, जिससे इस छात्रा की मौत हो गई है और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। आए दिन ऐसी घटना घट रही है, ट्रैक्टर गाड़ी वाले अनियंत्रित होकर गाड़ी और ट्रैक्टर चला रहे हैं और जिससे आए दिन लोगों की मौत होते जा रही है। तो सुनिए क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, किस तरह से आजकल ट्रैक्टर वाले जो हेडफोन कान में लगाकर ट्रैक्टर चलाते हैं और जिससे यह बड़ी घटना हो रही है। प्रशासन को इसकी पहल करनी चाहिए कि ऐसी फिर घटना ना घटे। देखिए, बच्ची जौन बाड़ी सन साइकिल से जात रही है, सब पढ़े साइकिल पर, और ड्राइवर में सबसे ज़्यादा ही कमी बा आजकल के, कि कान में वॉकमैन के लगा के आ बड़का साउंड लगा के आ ट्रैक्टर के ड्राइवर लोग चलता है। एकरा पर व्यवस्था होके के चाहिए प्रशासन के, कि ड्राइवर लोग बाजा ना बजाओ आ कान में ना लगाओ, ये पर व्यवस्था कल जरूरी बने तो ऐसा और घटना हो सकता, लेकिन घटना बहुत निंदनीय बा, ऐसा घटना ना होके।